भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। कोतवाल गोपीगंज के सिंह व चौकी इंचार्ज जंगीगंज इंद्रजीत यादव का धारा 151 षड्यंत्र। खबर जनपद भदोही के हमेशा से अपने कारनामों से सुर्खियों में रहने वाले गोपीगंज कोतवाली से है, जहां रविवार 21 मार्च 2021 को कोतवाल के सिंह का तानाशाही रवैया प्रकाश में आया। बताते चले कि कारीगांव निवासी एक महिला उर्मिला देवी पत्नी मनीराम सरोज को जनपद प्रशासन की ओर से भूमि आवंटन हुआ था, जो वर्तमान समय में महिला की भूमिधरी जमीन है। गांव के ही एक परिवार द्वारा जबरदस्ती महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पहले तो लेखपाल से की, फिर मामले से पल्ला झाड़ते हुए यह कहते हुए चलते बने कि धारा 24 में ऑर्डर करवाओ तो नाप हो पाएगी। महिला के कथनानुसार उसने ज्ञानपुर एसडीएम के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन वहां से भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अतः थक हार कर महिला ने भदोही एसपी को जमीन के कागजात दिखाते हुए अवैध कब्जा हटवाने का आग्रह किया। एसपी साहब ने कोतवाल गोपीगंज को मामले से अवगत कराते हुए चौकी प्रभारी इंद्रजीत यादव को मौके पर जाकर कब्जा हटवाने के लिए कहा। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज साहब का रवैया पहले तो ठीक था, लेकिन जैसे ही विपक्षी गण से मिले रुख बदला बदला सा नजर आया और एकाएक बोले कि मैं कब्जा हटवाने में असमर्थ हूं, आप थानाध्यक्ष से मिले। थानाध्यक्ष साहब द्वारा महिला को आश्वासन दिया गया कि लेखपाल की मदद से आपकी जमीन को खाली करा दिया जाएगा। अगले ही दिन लेखपाल साहब के साथ साथ कोतवाल साहब का रवैया भी बदल गया। बताते चलें कि महिला का पति जीविकोपार्जन के लिए बाहर रहता है और बच्चे अभी छोटे हैं, अतः पास के ही रहने वाले एक युवक उमाशंकर यादव से उसने आग्रह किया कि वह तहसील व थाना या चौकी लेकर जाए। पारिवारिक व्यवहार के कारण वह लड़का उसकी मदद के ध्येय से तहसील थाना व चौकी पर लेकर गया। आज अचानक चौकी इंचार्ज इंद्रजीत यादव का फोन आया। उन्होंने महिला से कहा कि जिस लड़के के साथ आप आती हैं उसे लेकर थाने पर आएं। जैसे ही महिला उस लड़के को लेकर थाने पर कोतवाल साहब के पास पहुंची, थाने पर उसे बिठा लिया गया और कहा कि तुम्हारा धारा 151 में चालान होगा। इससे पहले महिला के विपक्षी को भी थाने पर बुलाकर धारा 151 में चालान करने के लिए बिठाया गया था। अब चूंकि महिला के घर पर कोई पुरुष तो था नहीं, कोतवाल साहब को खाना पूर्ति तो करनी ही थी, तो उन्होंने विवाद का बहाना बनाते हुए उस मददगार लड़के का भी धारा 151 में चालान कर दिया। इस मामले में पूरी तरह से बेगुनाह उमाशंकर यादव काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से एमएससी केमिस्ट्री का छात्र है, पढ़ने में होनहार है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर यह कहा जाए कि थानाध्यक्ष के इस रवैये से एक होनहार छात्र के मस्तिष्क पर कुठाराघात है, बल्कि धारा 151 का दुरुपयोग भी थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया। हमारे संवाददाता ने जब अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहा कि आपने उस छात्र का धारा 151 में क्यों चालान कर दिया जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि धारा 151 मामूली सी धारा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब, जब फर्क ही नहीं पड़ता तो आपने धारा आखिर लगाई ही क्यों? आपको बता दें कि इससे पहले कोतवाल के सिंह ज्ञानपुर कोतवाली के चार्ज में थे, वहां भी महोदय की इसी तरह की शिकायतें अक्सर आती रहती थी। हैरानी की बात तो यह है कि जब ऐसे पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जनपद के आला अधिकारियों से शिकायत की जाती है, तो जनता को झूठा आश्वासन देने के नाम पर केवल इनके कार्य क्षेत्र अर्थात थानों की अदला बदली कर दी जाती है। क्या इस प्रक्रिया से जनता को न्याय मिल पाएगा? अक्सर इन थानों से हैरान परेशान फरियादी जनपद के आला अधिकारियों के पास जाते तो हैं, लेकिन ऐसे तानाशाह व हिटलर किस्म के थानाध्यक्षों पर कार्रवाई लगभग न के बराबर होती है। चलिए जरा अब थानाध्यक्ष महोदय को धारा 151 का सही मतलब भी समझा देते हैं। धारा 151 में गिरफ्तारी करने की शक्ति का मौजूद होना एक बात है और इसके अभ्यास का औचित्य अलग बात है। पुलिस अधिकारी को ऐसा करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के अलावा गिरफ्तारी का औचित्य साबित करने में सक्षम होना चाहिए। किसी व्यक्ति की पुलिस लॉकअप में गिरफ्तारी और नजरबंदी किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकती है। अंत में एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के हित में और शायद अपने
हित में एक पुलिस अधिकारी के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि प्रारंभिक जांच के बाद किसी उचित संतुष्टि के बिना गिरफ्तारी न की जाए। हमारी जनपद के आला अधिकारियों से गुजारिश है कि कोतवाल साहब की जरा अच्छे से जांच की जाए ताकि वे भविष्य में अपने पद का दुरुपयोग ना कर सकें, क्योंकि कोई भी कानून जनता की भलाई के लिए होता है, ना कि अधिकारी किसी कानून को सिर्फ इसलिए जनता पर थोपे ताकि उसे आत्मसंतुष्टि हो। जनपद भदोही से आकाश भूमि न्यूज के लिए दीपक कुमार मिश्रा की स्पेशल एनालिसिस रिपोर्ट। आइए जरा अब आपको सुनवाते हैं कोतवाल साहब के करतूतों की कहानी, पीड़ित महिला की जुबानी। क्या नाम है आपका? उर्मिला। आपके पति का नाम? मनीरा। कौन से गांव की निवासी हैं? कारीगांव। क्या मामला है आपका? मामला है कि बिगड़ी जमीन है, ये साथ छोड़ नहीं सकते हैं दो दिनों के अंदर, मतलब 12 बजे रात। कैसा भूदरी हो गई, क्या पट्टा उट्टा कराई थी क्या उसको? नहीं, मतलब अवंटन मिला रहा था हमारे नाम। अवंटन मिला था? अच्छा, भूदरी हो गया है। पैसे भी आवा सकते थे। तो इसके बारे में आपने लेखपाल को नहीं बताया? बहुत कुछ कहा, इनके सबके पीछे बहुत पड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। मार मार कर जरूरत है तो कैसे जाए, अकेला ही हम घर इतना। अच्छा, सुनने में ये आया है कि आपके साथ एक लड़का आता था, तो उसने क्या वहाँ झगड़ा वगड़ा किया था? कुछ नहीं, संगे आए रहे। तो उसका कोतवाल साहब 151 में चलान कर दिए? हाँ, वो तो गलती करा ना। तो लड़का कुछ नहीं कह रहा था वहाँ? कुछ नहीं। वो वहाँ गया था मौके पर? हाँ, मौके पर गवार एक दिन गवार। अच्छा, घर बात ना आई गवार। आज मौके पर गया था वो कहीं? नहीं, किसी से कोई झगड़ा लपड़ा हुआ, किसी कहा सुनी हुई? दरोगा साहब चौकी पाना तो दिया कि मतलब हमें आए। हाँ, और कुछ बोला वोला नहीं, मतलब थाने पे आपको लेके आए थे? हाँ, मतलब बुलाया ना को लड़का को लेके। अच्छा, क्योंकि इतना शंकर आओ तो हम भी आए इतना। और उसका 151 चलान कर दिए? हाँ, वो गलती उनका नहीं बा, हम लिया कह रहे थे, मतलब कि हमारे घर क्यों नहीं बा, हमारा आदमी बाहर बाटे। हाँ, तो मतलब उनके लिए आए क्या संग है? हाँ, तो अपने गाड़ी से लिया क्या है, और जब इसे घर के रहा होता तो हम लिया के ना आए। चौकी से बोले ना उस लड़का को लिया क्या? अच्छा, चौकी से बोले हैं? हाँ, चौकी से पुलिस बोले ना। अच्छा, वो लड़का के जान लिया क्या रहे, वो दिन लिया क्या? अच्छा, तो मैं गाड़ी के मतलब ये सब खेले ना, लोधी रहन और राजकुमार रहन, ये सब गाड़ी खेले रहे। अरे, ये सब आगे आगे पहुँच गया रहे। अच्छा, हम लोग पीछे से आ गए। अच्छा, हमें मालूम था बात है कि नहीं बंद कर देंगे। तो क्या वहाँ आपकी जमीन पे निर्माण कार्य भी हो रहा है? सुनने में आया कि आपकी जमीन पे वहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। हाँ, मतलब पहले मड़ाई जा रहा ना। हाँ, मड़ाई गए हटवावे, 112 नंबर ले गए, मार मेहरारू गाड़ी देवे लगे। हाँ, गाड़ी देवे लगे, नेवर नेवर कि अरे पूछे दरोगा कि जवान है तो लिया के आए वहीं मोहमय पर। तब दरोगा नहीं बोला था, पुलिस दरोगा नहीं बोलते पैसे बोला था, ऐसे ऐसे लगे नेवर नेवर गाड़ी देवे, तो हमारे जन मोह निकला, मोह बेचारा कर घर आए रे साहब। अच्छा, काम आज जगह छोड़ता है अपने में रहा अपने में। अच्छा, तो जगह ना ही है, काट ही ना भी मार ही ना सके। और तब से काल तो हम रात की दो चाली ईटा गिरवाए थे, मतलब जबरदस्ती निर्माण करवा रहे हैं, ईटा गिरवा दे। पुलिस उसमें कुछ नहीं कर रही? नहीं, तो लेखपाल उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, तो 9 बजे रात हम SDM के यहाँ आपने मतलब एप्लीकेशन दिया? हाँ, एप्लीकेशन, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, तब एक बात तो काल 9 बजे रात फोन आया तो हमारा लगे ईटा गिरवा दे, दो चाली ईटा गिरवा। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगी, यदि मान लीजिए DM साहिबा ये खबर आपकी देखें तो आप उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगी? आला अधिकारी जनपद के देखेंगे तो उनसे क्या क्या कहना चाहेंगी आप अधिकारियों से? जाने तक हमारी जगह छोड़ दें, बस ये जाने तक हमारी जगह छोड़ दें, गरीब मनाई है, हम लड़ भी ना पाओ भाई, ले को तो ले ले, हमें पैसा दे दे, और न ले को तो हमारे छोड़ दें, हम जो तक तो आप बेचना चाहती हैं कि रखना चाहती हैं? हम बेचना चाहती है, लेकिन ये सब इतना हमारे संग 20 साल का हमके पछी, हम पछी आए हैं। हाँ, लेकिन देवा नहीं चाहते हैं सर, लोधी राजकुमार दयाली ये सब देवा नहीं चाहते हैं, फ्री ले चाहते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।